बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग बहुत तेज़ी से अपने आउटलेट्स, उनके प्रोग्राम्स, अपने डीलर्स को गेट टुगेदर और उनके मसाइल के हल के लिए मदद करना, ये सैमसंग की नई तेज़ी से जो पॉलिसी नाफिस हो रही है, उनके अपने डिस्कस हो रही है, उसके तहत गुज़श्ता दिनों जो भी छोटी मोटे मामलात थे उसको खुश असलूबी से उनके पाकिस्तान के सरबराह उमर घुम्मन साहब और सेल्स के मामले में रिटेलर हेड जो है मशहूर भाई, इसी तरह दूसरे लोगों ने मिलके दानियाल साहब पंजाब में और सिंध में जो है वो बड़ा खुश असलूबी से डीलर्स के साथ, अपने एमडीज़ के साथ, मकसद कहने का ये है जो भी इनके सैमसंग के एमडीज़ हैं उनके साथ बड़ा खुश उसलूबी से मामला तय कर लिए, और इनके जो छोटे मोटे जो भी इख्तलाफात थे तकरीबन वो ख़त्म हो गए, और यकसुई से हमारे एमडीज़ यानी डीलर्स सैमसंग के साथ अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं, और मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए मुख्तलिफ मनसूबाबंदी कर रही है सैमसंग। इसी तरह गुज़श्ता दिनों जो मैं आपको पहले ही आगाह कर चुका हूँ कि लाहौर में भी प्रोग्राम्स किए, दूसरे शहरों में भी पंजाब के प्रोग्राम किए, गुज़श्ता रोज़ एक कराची में भी पोश इलाकों में दो जो आउटलेट इन्होंने कायम किए हैं, री आउटलेट तो थी, उनको जो है रीशेड्यूल रिनिवल्ड किया था, इनको अरसरे नौ जो तजनीन और आराइश की गई थी उसका इफ्तिताह करने के लिए सैमसंग पाकिस्तान के सरबराह उमर घुम्मन मशहूद भाई, इसी तरह और यहाँ साउथ के नुमान नज़ीर और उनकी टीम, इसी तरह यूनाइटेड मोबाइल के जो सीईओ है आसिफ फैसल मोती, इसी तरह जो है वो हमारे जो डायरेक्टर हैं यूनाइटेड मोबाइल के और सीओओ हैं हमज़ा रशीद, और इसी तरह दूसरे हमारे जो भी नुमान मितला थे, इसी तरह दूसरी कंपनियों के भी मारूफ शख्सियात ने इसमें शिरकत की, और क्योंकि ये नाचीज़ इत्तेफाक से उस प्रोग्राम में शामिल नहीं था, जो इत्तेलात मिली हैं वो इत्तेलात आपको पहुंचा रहा हूँ, इसमें कुछ नाम रह गए हैं तो माजरत, उसकी वजह है कि ज़ाती तौर पे जब इंसान मौजूद होता है तो बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात भी होती है, मेरी मसरूफियात की वजह से मैं जा नहीं सका था। बहरहाल बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, केक काटे, और बहरहाल ये मुबारक सैमसंग को कि वो बहुत तेज़ी से अपने डीलर्स, अपने एमडीज़ जो है उनके मसले मसाइल हल कर रहा है, उनके शॉप्स जो है सरीनो तरतीब भी तजरीन व आरइश भी कर रहा है, दीगर काम भी कर रहा है। इसी तरह आज जो है एक सैमसंग ने बड़ा काम किया, जो कुछ जो सेल्स बेहतर करने वाले लोग थे जिन्होंने कुछ ने जो है उसमें मोबाइल फ़ोन हासिल किए और कुछ ने जो है एलईडी सैमसंग की हासिल की, 55 इंच की जो डील्स में इन्होंने ली हुई थी उसके तहत वो हासिल की गई, और इसका प्रोग्राम आज शेड्यूल तय किया गया और इमरजेंसी में तय किया गया था। ये प्रोग्राम पहले था कि आउट जब पाकिस्तान से बाहर जाके तकरीब मुनक्किद की जाएगी जो कोरोना के बायस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, उसमें ये दिए जाएंगे, लेकिन अब बहरहाल इसमें जो है प्रोग्राम दिए जो थे उसके तहत आज इमरजेंसी में प्रोग्राम कराया गया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। दोस्तों को 55 इंच की एलईडियाँ दी गई सैमसंग की और बहुत ज़बरदस्त थी, इसी तरह जो लेटेस्ट मॉडल सैमसंग के हैं वो इनके हवाले किए गए। तो एक कराची की क्रीम आई हुई थी जिन्होंने डील्स और से ये हासिल किए थे जो भी इनके हिस्से में आया था, और उसमें उनको इन सबको जो है वो रिटेल हेड जो है सैमसंग के मशहूर, उन्होंने जो है नुमान नज़ीर जो अपने साउथ के वो हैं, असगर भाई जो कराची के हैं सिटी मैनेजर, उनके तहत जो है वो दिया, इसमें मुख्तलिफ ग्रीन वो
इन्हें मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी अपनी कंपनी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जिसके तहत जो है वो यूनाइटेड मोबाइल के उमर भाई उमेर थे, इसी तरह जनरेशन नेक्स के जो है वो अफान भाई थे, इसी तरह MNP की जानिब से जो है वो बसीर भाई थे, इसी तरह बर्क की जानिब से वो अदील थे, और इन सब के साथ हेड ऑफ सेल्स एयर लिंक नुमान मितला भी मौजूद थे। इन्होंने गिफ्ट दिए और लोगों को इस मौके पे खसूसी गुफ्तगू करते हुए मशहूर रिटेल हेड जो है इन्होंने अपनी नई पॉलिसी बताई, जो पुरानी पॉलिसी का तसलसल है, उसमें जो शिकायतें थीं उसके अजाली की भी बात की गई और दीगर चीज़ें भी। डीलर्स को एतमाद में लिया गया, मुख्तलिफ उन्होंने कहा हमारे जो जो सॉफ्टवेयर के मैटर हैं वो 80%, हमने जो जो आपकी शिकायतें थी दूर कर दी हैं, इंशाल्लाह इस महीने से आपको वो बाकी भी दूर कर दी जाएंगी, सॉफ्टवेयर बेहतरीन है सब कुछ, अब आपको जो है वो आगाही मिलती रहेगी मुसलसल, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको निशान बताता रहेगा कि आपका टारगेट मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, क्या पोजीशन है क्या नहीं। इसके अलावा दीगर भी जो छोटी मोटी डीलर्स ने हमारे MDs ने शिकायतें की, उसका भी जवाब उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से दिया, और बहुत यानी हमारे MDs के दिल जीत लिए उन्होंने। उसकी वजह यह है कि अमूमन इतनी लंबी बहस नहीं करते कंपनी के लोग, मुख्तसरन फ़ोटो खिंचवाते देते गिफ्ट दिया और आगे बढ़ाए, उन्होंने घुल मिल गए और लोगों से उनके जितने मसाइल हर एक की बात भी की, और हमारे जो जिनकी शॉप बनाई उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि भाई ये इस तरह अब की दफ़ा काम हुआ है जिस तरह इससे कबल नहीं हुआ था, और ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में ये दुकान हमारी कायम की गई है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अहम खबर अब आपको मैं ये देता चलूँ, जिस प्रोग्राम के तहत बेसिकली ये देना जो था, ये आपको इलम ही है, ये नाचीज़ दे चुका है कि सैमसंग जो है उसने अपने MDs को मुख्तलिफ ममालिक की जो खबरें चल रही थी उसमें अहम चीज़ ये हुई थी कि मिस्र दौरे पे ले जाया जाएगा, लेकिन कोरोना के बायस वो अप एंड डाउन हो रहा था। लेकिन अब आपको ये परफेक्ट खबर दे रहा हूँ, जो मजबूत खबर है वो ये है कि सैमसंग इंशाल्लाह अपने MDs को हालात बेहतर हो गए, मजीद और बेहतर होंगे, गैर मुल्क के दौरे पे लेके जाएगा। सैमसंग की पॉलिसी ये है अपने डीलर्स को जो वादे किए हैं वो पूरे करें, उसके तहत उम्मीद ये की जा रही है जो बाबा सूख जराए कह रहे हैं। अब देखना ये है कि वो किस मुल्क का वो है, 3 मुल्कों में से किसी एक मुल्क को चॉइस किया जाएगा, और इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो नवंबर के महीने में ही ये आपको दौरा कराया जाएगा। और इसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि असल मसला ये है वीज़े, और जहाँ कोरोना के वबा के बाईस जो पाबंदियाँ ना लगी हुई हों उसके तहत वहाँ ले जाया जाए। इसमें अभी दौरा है तुर्की है, मिसाल के तौर पे दुबई है, दुबई के अलावा हो सकता है मिस्र भी ले जाएं, 2 3 4 ऑप्शन चल रहे हैं, इंशाल्लाह फैसला होगा जल्दी, अल्लाह ने चाह तो हम आपको इंशाल्लाह आगाह ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी ये जो अफवाहें थीं कि जी दौरा मंसूख कर दिया गया है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है, इत्तला के मुताबिक जो मुस्तनद इत्तला है दौरा कराया जाएगा सैमसंग इंतज़ामिया की जानिब से। हम आखिर में अपने जो दोस्त हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने LEDs और मोबाइल हासिल किए, और ख़ास तौर पे जो सैमसंग इंतज़ामिया हैं यहाँ पर, आज के प्रोग्राम के तहत मैं कह रहा हूँ, उमर घुमन साहब मसरूफियात की वजह से चले गए थे, लेकिन उनकी कमी जो है वो मशहूर साहब ने महसूस नहीं होने दी, घुल मिल गए, एक एक के मसले मसाइल हल किए। नुमान ने बड़ी जो है नुमान नज़ीर इन्होंने बड़ी अच्छी तरतीब से प्रोग्राम रखा था, लेकिन क्योंकि जगह की भी मैटर था और फिर वर्किंग डे है, इसकी वजह से पिक पॉइंट जो टाइम था वो उसके वजह से आना भी एक मसला था। इसके बावजूद तकरीबन सब हाज़िरी मुकम्मल थी सिवाय एक के, उसकी भी अपनी मसरूफियात थी इस वजह से नहीं आया था। सबों ने अपने इनाम लिए, हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं, बिलखसूस सैमसंग इंतज़ामिया को भी, और उम्मीद जाहिर करते हैं आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम डीलर्स के लिए वो तरतीब देते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फ़ी अमान अल्लाह।